वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी ने अपने छेवें रूप विच किस नूं मिलन दा वादा कीता अते क्यों, आओ जानदे हां। श्री गुरु नानक देव जी अपने प्रवचना नाल बिलासपुर नरेश अते उत्थों दी जनता दा मन जित के उन्हां नूं इक ईश्वर उपासना विच लगा के कीर्तपुर खेतर विच पहुंचे। उत्थे बस्ती दे बाहर ही डेरा ला नित करम अनुसार कीर्तन विच लीन रहिंदे। इक दिन उत्थे प्रभु भगत गडरिया अर्थात चरवाहा अपनी भेडां नूं चारदा होया पड़िया। उत्थों दे सारे लोग उस नूं प्यार नाल बुड्ढन कहिंदे सन। बुड्ढन ने जदों गुरु जी नूं इक निर्जन स्थान उत्ते कीर्तन करदिया होया वेख्या तां ओह बहुत हैरान होया, क्योंकि उसने पहला किसी नूं निर्जन स्थान ते प्रभु वडियाई करदिया नहीं सी देखिया। उसने अक्सर सन्यासियां नूं बस्तियां विच ही गाउंदे सुनिया सी। उसने गुरु जी नूं पीण लई दुध पेश कीता अते कीर्तन सुनन बैठ गया। कीर्तन सुन ओह आनंद विभोर उठिया, जिस दे नाल उस दीआं सारीआं तृष्णावां शांत हो गईआं। जिवें ही गुरु जी ने कीर्तन समाप्त कीता, बुड्ढन ने गुरु जी नूं प्रश्न कीता, हे पीर जी, मैं इस काया नूं किवें सफल कर सकदा हां? जवाब विच गुरु जी ने कहा, भाई, मनुख नूं हर पल बंदगी विच रहना चाहीदा है, तां ही जीवन सफल हो सकदा है। इस उत्ते बुड्ढन कहन लगा, मनुख दी उम्र बहुत घट हुंदी है, सारा समा धंधे विच व्यर्थ चला जांदा है, भजन बंदगी लई तां लंबी उम्र चाहीदी है, अतः मैनूं लंबी उम्र दी कामना है। गुरु जी कहन लगे, लंबी उम्र दी इच्छा है, जे अल्लाह ने चाहिया तां ओह वी पूरी होवेगी। गुरु जी उस दे प्यार अते श्रद्धा दे कारण कुछ दिन उत्थे ठहरे रहे अते भजन बंदगी विच उस नूं दृढ़ करवांदे रहे। जदों गुरु जी प्रस्थान करन लगे तां बुड्ढन सहमत ना होया। ओ जिद करन लगा, मैं तां तुहानूं हर रोज दुध पिला के तुहाडी सेवा करना चाहुंदा हां। इस उत्ते गुरु जी ने कहा, ठीक, असीं तुहाडी इह सेवा स्वीकार करदे हां, पर हुणे नहीं, तुसीं साडी उडीक करो। जदों असीं अपने छेवें रूप विच तुहाडे कोल फिर आवांगे, उस वक्त तुसीं अपनी इह इच्छा पूरी कर लेना। इह सुण के बुड्ढन कहन लगा, हे पीर जी, इसदा मतलब इह होया मैं बहुत लंबी उम्र तक जीवांगा। जवाब विच गुरु जी ने कहा, तुसीं प्रभु आराधना लई लंबी उम्र की कामना की सी, अतः वह पूरी हो गई, इसलिए असी थानू थी भगति पूरी होने ते फिर मिलन लई जरूर आवांगे। छेवें पातशाह श्री गुरु हर गोबिंद साहिब जी ने अपने बेटे बाबा गुरदित्ता जी नू बुड्ढन शाह फकीर कोल भेज के उन्हां दा दीदार किया अते उन्हां तो दिद पी के उन्हां नू किरतारत किया। बुड्ढन शाह जी की मौत तो बाद उन्हां दा अंतिम संस्कार गुरु जी ने अपने हथां नाल किया। इस तरह गुरु जी ने अपना किया होया वादा पूरा किया।